बक्सर की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं CNB न्यूज। आपको रखे आगे आपका अपना। मैं हर जगह सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन इस ऑफिस को अभी तक किया गया है कि नहीं? ये ऑफिस का दुर्भाग्य कि जब से यहाँ पर नाजिर का पदस्थापन हुआ है, प्रभार लिए हैं प्रांचल अधिकारी, जब से पदस्थापित हुए और प्रभार लिए हैं तब से झाड़ू तक नहीं पड़ा है यहाँ। अभी आपको यहाँ पर एक परत दो परत धूल जमे हुए दिखाई दे रहा है, यह आप सामने देख रहे हैं। और जहाँ तक सैनिटाइज COVID-19 का दौर चल रहा है और सैनिटाइज करने का जो बात पूछ रहे हैं, कभी भी इस कार्यालय में ये नाजिर और अंचल अधिकारी के माध्यम से ध्यान नहीं दिया गया कि यहाँ भी कर्मी बैठते हैं, COVID-19 से प्रभावित हो सकते हैं। हम लोग जान को खतरे में लेकर के बैठ रहे हैं यहाँ पर, न कभी सैनिटाइज किया गया, न मास्क दिया गया, न सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मतलब कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है, कोई भी पहल नहीं है। इसको लेकर वरीय अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? इस संबंध में वरीय पदाधिकारी खुद COVID-19 के बारे में गाइडलाइन निकालते रहते हैं, तो खुद वो समझ रहे हैं कि क्या ऑफिस में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कार्यालय के बराबर कब से? हम यहाँ January 2019 से हाँ, उस समय से तत्कालीन अंचल अधिकारी ने हमको प्रभारी प्रधान सहायक के रूप में रखा है। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान अंचलाधिकारी अनिल कुमार है, वो कब यहाँ योगदान किए? यहाँ 3 अगस्त 2020 को ज्वाइन किए। इनकी कार्य प्रणाली कैसी है? उनकी कार्य प्रणाली ऐसे ऑफिस तौर पर देखा जाए तो अच्छा नहीं है, इसलिए हम अच्छा नहीं कहेंगे। यहाँ हम लोग 3 लिपिक हैं और तीनों लिपिक से काम ना लेकर के ये बाहरी बाजारू रूप में काम लेते हैं लोगों से, और बाहरी लोगों से काम लेना अधिक पसंद करते हैं। मात्र एक ही लिपिक से ही समन्वय स्थापित रखते हैं, जो ऊपर ऊपर काम होता है, जो सरकार का पत्र होता है उसका निष्पादन सही समय से नहीं हो पाता है, और हम लोग के ऊपर जो दायित्व है निर्धारित है उसमें भी पर्सनली तौर पर इंटरफेयर करके सारे काम को ऑफिस स्तर पर बिखेर दिए हैं और आपसी लड़ाई लगा करके रखे हुए हैं, जिससे पूरे ऑफिस का कार्य प्रभावित है। हम लोग के जिम्मे जो भी काम यदि बचा हुआ भी है, अगर लिखित रूप में उनके समक्ष उपस्थापित करते हैं तो उसको भी नहीं कर पाते हैं और संचिका सीधे लौटा देते हैं। आप बता रहे हैं कि कार्यालय के साथ साथ वो बाहर में भी कार्य का निष्पादन करते हैं बाहरी लोगों के मदद से, इसके पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है? अब इसके पीछे अब वो समझें कि मकसद क्या है, अब इसके बारे में तो हम इतना नहीं कुछ कर सकते हैं कि क्या मकसद है, लेकिन वह इसके लिए अलग अलग कार्यालय चलाते हैं। कई वो कार्यालय संचालित हो रहा है? यहाँ 2 से 3 कार्यालय, हमारा कार्यालय में सिर्फ एक लिपिक के ही माध्यम से काम होता है, RTPS में भी अलग कार्यालय चलता है, एक अलग से आवासीय जो क्वार्टर है उसमें भी। सुनने में आता है कि अंचलाधिकारी ब्लॉक के अंदर 2 आवासीय हाउस को कब्जा में किए हुए हैं। ये बात सही है, एक सरकारी क्वार्टर तत्कालीन अंचल अधिकारी जहाँ पर रहते थे उस आवास को भी उन्होंने अपने अंदर अधिकार क्षेत्र में रखा है, और RTPS में भी वो अपना आवासीय मकान बना करके रखा। क्या दोनों का वो हाउस रेंट देते हैं? हाउस रेंट के बारे में तो
हम यह कह सकते हैं कि वह अभी आवास दोनों इनके नाम से आवंटित नहीं है और इनको वेतन भी नहीं मिलता है कि हाउस रेंट को की कटौती की जा सके। लेकिन प्रावधान तो यही है कि जो कर्मी या पदाधिकारी सरकारी आवास में रहते हैं तो नियमानुसार उनको हाउस रेंट नहीं दे होगा। कितने दिनों से इन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है? यहाँ पिछले जगह जहाँ पर पदस्थापित है वहाँ से इनका अंतिम वेतन भी अभी तक नहीं आ पाया है, जिसके चलते यहाँ से भुगतान उनका भी नहीं हो पा रहा है। यह कहना संभव नहीं है कि उनको कब से वेतन का भुगतान, मतलब आज तक सिमरी अंचल के द्वारा कार्यालय के द्वारा उनको वेतन नहीं दिया गया। हमारे यहाँ से कभी भी वेतन अभी तक नहीं मिला। तो जब उनके नाम से आवास अलॉट नहीं हुआ है तो फिर किस हैसियत से उस आवास में रह रहे हैं? अब इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए वरीय पदाधिकारी सक्षम है, वो पूछ सकते हैं या आवंटित कर सकते हैं, यह जिम्मेवारी उनकी बनती है। क्या परिचय है आपका? हम यहाँ पर लिपिक के रूप में है, पहले से हम यहाँ प्रधान सहायक के रूप में पदस्थापित है, लेकिन मुझसे प्रधान सहायक का कोई भी कार्य और दायित्व नहीं लिया जाता अंचल अधिकारी के माध्यम से। नाम क्या है? हमारा नाम महेंद्र प्रसाद हुआ। बहुत